तो ये उड़द की दाल भीगी हुई, इसको पानी से अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल आकांक्षा लाइफस्टाइल में। तो ये दही बड़े की मैं तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैंने दाल भिगा दी थी सुबह, उसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी दिखाऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए इसका अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया है दाल का। इसे थोड़ा आप गाढ़ा भी रख सकते हैं, पर ये हल्का सा दरदरा है, इसमें आपको दिखाएगा नहीं, हल्का सा दरदरा है, बिल्कुल बारीक नहीं है, हल्का सा दरदरापन है इसमें, दे सकते हैं। तो मैंने ये तकरीबन 1.5 कटोरी है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, आप चाहें तो बेकिंग पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, नमक बहुत हल्का सा ही डालिएगा, बहुत ज्यादा मत डालिएगा, हल्का सा नमक डाल दिया है। अब हमने ये जो पेस्ट बनाया था ये पेस्ट इसमें डाल देंगे। दही बड़े हैं वो बनाते बनेंगे ही नहीं। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया, आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। इसको ढक देंगे आधे घंटे तक, तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। अब हम इसमें मीडियम साइज़ की पकौड़ी बना लेंगे, यानी कि बड़ा हम अपने बना लेंगे। उनको धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाएंगे। अगर आप तेज़ आंच करके पका देंगे तो ना, तो ऊपर ऊपर पक जाएगा पर अंदर नहीं पकेगा, तो फिर वो बहुत कच्चा कच्चा आटा लगेगा, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत ही कम आँच पर धीरे धीरे इनको सेंकना है आराम से, तभी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, और दही बड़े बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंटना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, हल्का सा, आप चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने काला नमक बहुत हल्का सा ऐड किया था। उसके बाद मैंने ये अपने बड़े इसमें डाल दिए थे, थोड़ी देर इसको सोक करने के लिए आप रख दीजिए, तो ये अच्छे से जो है ना दही पी लेते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से घर में बना सकते हैं आप और इन्जॉय कर सकते हैं। और शाम के टाइम जब मैं रूम की लाइट बंद करने गई, मैंने देखा छोटे छोटे से छिपकली के बच्चे घर में तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ये इनकी शर्ट के ऊपर बैठा था। तो इस समय जो है ना खाने पीने की चीज़ें सभी ढक करके रखिए आप हमेशा, और कपड़े हैं ना झाड़ करके ही पहनिए, क्योंकि पता नहीं कीड़ा कहाँ से घुस जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह तो काफ़ी देर की हो गई है, पर वीडियो में थोड़ा सा लेट शूट कर रही हूँ, और दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है। तो आज है संडे, संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल मैं बनाती हूँ खाने में। तो आज खाने में क्या बनाने वाली हूँ ये मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। किचन में आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है। तो ये मिल्क तो हमारा उबल चुका है, और मैंने जमाने रखा था ये दही, इसको थोड़ा सा ढक दीजिए ना, तो बहुत अच्छे से दही जमता है। तो देखते हैं जमा है कि नहीं जमा है। कढ़ाई में रखा था मैंने, शायद जम ही गया होगा। हाँ, दही तो जम चुका है काफी अच्छे से, ये देखिए। तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे तो काफी अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। और ये कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। बनाने वाली हूँ आज मैं छोले की सब्जी, जो कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है।
ये देखिए छोले मैंने उबालने क्या, छोले मैंने रात को ही भिगा दिए थे, तो इनको उबालने रखना है। एकदम झाग झाग हो गया इसमें। यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ छोले की, तो मैंने यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक और ये सारी चीज़ें मैं पीस लूँगी अच्छे से। मिर्च आप जितनी आप चाहें, जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से डालिएगा। काफ़ी तीखा हो गया था पर छोला काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। छोले की रेसिपी तो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि अपने ब्लॉग्स में मैं कई बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने छोले वाली रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, मैंने कई वीडियोस डाले हुए हैं। तो छोले भी हमारे अच्छे से गल गए थे। छोले जब तक कि अच्छे से गले नहीं होते हैं ना, टेस्ट नहीं आता है बिल्कुल। कई जगह मैंने देखा है छोला एकदम टाइट टाइट रहता है तो वो खाने में एकदम बेकार लगता है और पेट खराब होने का भी डर रहता है। तो छोले अच्छे से गल जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छे से, मतलब खाने में भी अच्छे लगते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। यहाँ पर मैंने फ्रिज से निकाल लिया है दही। ये दही मैंने घर में जमाया है, घर का जमा हुआ दही इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि पूछिए मत। और गर्मियों में तो दही जमाना काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होता है, तो ये मैंने जमा लिया था दही। दूध बच गया था, मैंने चाय वगैरह पी नहीं थी, तो ये मैं बनाने जा रही हूँ रायता। तो ये रायते के लिए मैंने इसमें दही निकाल लिया है, इसको अच्छे से फेटेंगे हम। फेटने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला था। आप चाहें तो वाइट वाला सॉल्ट भी डाल सकते हैं पर ब्लैक सॉल्ट मैंने डाला था। उसके बाद में मैंने रायता मसाला थोड़ा सा डाला था और छौंकेंगे। छौंक भी मैं लगाती हूँ जीरा से, मतलब थोड़ा सा जो सरसों का तेल है उसमें थोड़ा सा जीरा डाल करके मैं इसमें छौंक भी लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और काफ़ी टेस्ट भी आता है हल्का सा बढ़िया सा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं।
लगभग सारा काम हो चुका है, सिर्फ किचन साफ़ करना बाकी है। लाइट आ जाए तो फिर किचन साफ़ करें, लाइट है नहीं, गर्मी में हालत ख़राब है। तो जस्ट मैं बस अभी नहा करके आई हूँ और मुझे लगी है बहुत कसके भूख, तो मैं जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए। लंच ले आई हूँ अपना, दिखाती हूँ आपको, मैं अपना लंच ले आई हूँ। आप लोग भी आइए लंच कर लीजिए, आकर के लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था ये तो कह रहे थे। अब मैं लंच करती हूँ, फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। तो कल बनाए थे मैंने दही बड़े, जो कि मैं आप सबको दिखाया था, और आज वो खाने के लिए एकदम रेडी हो गए हैं, मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे इनको, बस अभी दे करके आई हूँ। तो देखते हैं कि टेस्ट में कैसे हैं, मैंने तो अभी खा के देखे नहीं थे, तो चलिए आप सभी को भी दिखाते हैं कि टेस्ट में कैसे हैं, इनसे पूछते हैं चल के कैसे बने हैं। अच्छे बने हैं, बढ़िया बने, इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन बड़ा कस के आता है, ठीक है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम लोग कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि संडे को ही इनको टाइम मिलता है कि कहीं हम लोग साथ में जा पाएँ, बाकी तो इनका ऑफिस होता है या कोई और काम हो जाता है, कभी कभी तो संडे को भी हो जाता है। तो आज ये फ्री थे तो हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो वही मैं तैयार हो गई हूँ, काफ़ी शाम हो गई क्योंकि घर का भी कुछ काम था, तो फिर भी थोड़ी देर कहीं टहल लेंगे और चले आएँगे। तो फिर चलिए चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, हम लोग बस निकलने वाले हैं। मैंने पहना है ये रेड कलर का सूट, कंफर्टेबल। कोई बात नहीं, बैंक मैनेजर तो पास है मैं।
और वापस आते समय ना ये बतखें इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने देखा आवाज़ कर रही थी ना तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। बहुत सारी थी वहाँ पे, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, बहुत सारी थी। डरती भी नहीं है, बस इनको देखते ही रहो देखते ही रहो, बहुत क्यूट लग उनको आवाज़ पड़ गई है। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज में आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। जा रही हैं सब लाइन से। तो थोड़ी देर हम लोग टहल लिए हैं, थोड़ा बहुत क्लिप शूट की, ज्यादा शूट भी नहीं की क्योंकि यहाँ पहले का वीडियो हम बना चुके हैं, तो एक ही जगह का बार बार वीडियो क्या बनाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा, बेला ताली के नाम से है। और शाम हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं थोड़ी देर। कितना स्पीड में गाड़ी आई, देखो देखो ये। गर्मी तो सिर्फ घर में बैठे लोगों के लिए है, बाकी काम करने वाले तो काफी भीड़ है मार्केट में, सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं चाहे जितनी गर्मी हो, पर काम करने वाले हमेशा ही काम अपना करते रहते हैं चाहे जितनी धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। बस हम ही लोग हैं जो घर में बैठे बैठे कहते हैं हाय बहुत गर्मी है, हाय बहुत गर्मी है कि नहीं? सही मुझे भी लग रहा है। और क्या, तो हम लोग पहुंच गए हैं घर और वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।